टू एरो पॉइंट, वो रिवर क्रॉस करके आगे जाना है। पता नहीं यार कैसे जाया जाएगा, रिवर का फ्लो तो काफी ज्यादा तेज है। रिवर क्रॉसिंग करने की तैयारी है, जूते वगैरह उतार दिए भाई, कैंपिंग करने लगे थे। ये प्यारे से डॉगी मिले हैं, कितना क्यूट है भाई। और भाई एकदम बादल बन गया भाई यहाँ पे, बहुत ज्यादा स्पीड से बन रहा है भाई। भाई वो क्या चीज है यार, बालू लग रहा है मेरे को, कोई बालू आ रहा हो बागा बागा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू डे टू। अभी यार बारिश, रात भी काफ़ी, पूरी रात भी बारिश ही बारिश पड़ी गई, अभी भी बारिश पड़ रही है। अभी कैंप के अंदर बैठे हैं, लगभग सुबह के 7 बज गए, वेट कर रहे हैं कि बारिश वगैरह हटे, फिर कहीं प्लान करते हैं आगे चलने का। और भाई सच, रात इतनी तेज बारिश थी ना भाई, एक बार तो ऐसे हुआ कैंप के जो ऊपर प्रोटेक्शन होते हैं, वाटरप्रूफ प्रोटेक्शन होती है, वो ही उतर गई भाई। फिर बारिश में बाहर गए, वाटरप्रूफ प्रोटेक्शन वो दोबारा लगाई, पूरा भीग गए। तब तो एक बार पूरा डर गए थे भाई, कहीं यार कैंप गिल्ला ना हो जाए पूरा, क्या बनेगा क्या ना। तो छोड़ो, मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, बहुत बड़ा अच्छा व्यू है। लो जी भाई, दिन की शुरुआत चाय बनाकर करते हैं, दूध चाय पत्ती मीठा सारा सामान साथ में उठाया हुआ है। अब मजा आएगा, सुबह चाय पीकर पूरी एनर्जी आ जाएगी, फिर खाने के लिए भी कुछ बनाते हैं, ऐसे सर्वाइवल होता है। कम टू कुशम किचन, आज बना रहे हैं चावल। अभी तो प्याज प्यूज काट लिया, टोफू पनीर भी उठा लिया था, चावल चावल भी उठा लिया, मैं क्या बस पूरा मस्त, खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अभी ये स्टोव तो भी बड़ा काम का चीज़ है, स्टोव मेरे को ऐसे नहीं लगा था कि इतना काम आएगा स्टोव, इतना कुछ बनेगा, काफ़ी सही बन रहा है। अभी खाते हैं और आपको दिखाते हैं और आपको मचाते हैं कैसा बनेगा टेस्ट, कि अभी नेट में इतना अच्छा टेस्ट बन रहा है। लो भाई चावल वगैरह तो बना लिए, आशा करता हूँ ये अच्छे बने होंगे चावल, देखते हैं क्या टेस्ट है। वैसे पहाड़ों में तो जो भी कुछ भी मिल रहा है अच्छा ही मिलेगा। बाकी वो देखो भाई क्या ब्यूटीफुल वाइट वाइट माउंटेन, बड़े बस अभी जल्दी जल्दी खाते हैं, स्लीपिंग बैग को टेंट को पैक करते हैं और फटाफट आगे की तरफ आगे डिस्टेंस करने के लिए चलते हैं। रेडी हो भाई? यो चलो। लो भाई कैंपिंग टेंट तो कर दें डिसॉल्व और पैक वगैरह करके यार जल्दी जल्दी निकलें, 10 बज गए भाई। मेरे को लग रहा है आज फिर शाम होगी, पर नहीं यार आज करना है, काफ़ी ज़्यादा करना है, आज एनर्जी है फुल ऑन खाली है। वैसे चावल खा के ना ऐसे हो गया कि पेट भर गया भाई, कार्ब्स होते हैं। हाँ उसमें ना टोफू पनीर भी डाल दिया, उसमें चलो प्रोटीन वगैरह भी थोड़ा मोटा मिल जाएगा, बाकी निकलें फटाफट। चलो भाई फिर चलें, बस इसको यार रास्ते में पानी की स्ट्रीम में डालेंगे, मुश्किल काम दोबारा से रैप अप करना ही होता है, बट साथ में दो लोग होते तो सही से हो जाता है। सोलो में मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत हल्का साथ है। हाँ सही है, चलो बस चलो भाई इसको अंदर डाल लो। लो भाई मोमो तोड़े, थोड़ा वाटर क्रॉसिंग थी और क्रीम वगैरह लगाते हैं, ये तो पूरा सूरज खा जाएगा बंदे को। और फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है, मोमो वगैरह धोकर बाल वगैरह सेट सेट करने, थोड़ी सी फैशन वगैरह भी दिखा लेना। चलो भाई चलते हैं, अब हो गया फ्रेश भाई। पानी भी इतना ठंडा नहीं है, मैं सोच रहा था कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, पर ठीक है पानी है ना, बालू के घेरे में हो सकता है ठंडी, क्योंकि ये हाइट इतनी गेन की नहीं, जोबरी से देखा जाए थोड़ी कमी की है। ऊपर पीछे जाना है, पीछे वो व्हाइट वाली माउंटेन देख रही है जहाँ पे स्नो है, वहाँ तक जाना है। वहाँ पे तो आपको पता ही है कितना एल्टीट्यूड हाई हो जाएगा, वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होने वाली है, देखी जाएगी क्या बनता है क्या चक्कर है। ओ चले बस बैग बुक उठाएं भाई, आगे चलते जा रहे हैं, आसपास कोई भी नहीं है भाई, बस ऐसा डर लग रहा है कि कहीं भाई कोई बालू बुल्लू ना आ जाए और ख़त्म कर दे, कोई और जानवर आ गया तो इतनी टेंशन नहीं है, ज़्यादा टेंशन ऐसे है कि बालू बुल्लू ना आ जाए यार। बाकी चलते जा रहे हैं बस, यही है और तो यही कर सकते हैं। ये देखो पीछे कितनी तेज नदी बह रही है भाई, डर लग रहा है भाई। चलते चलते पैर पूरे दुखने लग गए, एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग मिली है वहाँ पे, पैरों को ठंडक लग रहा है, हा 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 हा, पूरी मसाज ही हो रही है, फ्री की फ्री का ऐसे ला लो, पेडिक्योर मैनिक्योर क्या कहते हैं वही हो रहा है। ये देखो भाई चलते चलते भाई चाय पीने का मूड कर गया, देखो भाई हमारा दूध स्टोव चाय पत्ती दूध मीठा सारा कुछ साथ में है। अभी इस पत्थरों की ओटसी हो जाएगी, यहाँ पे बनाते हैं अपनी चाय, मस्त चाय। और उधर आपको व्यू दिखाता हूँ भाई, वो देखो
इस व्यू में चाय पीने का क्या मजा आ गया भाई, स्वाद ही यार, ये स्वाद बार बार नहीं मिलते। लो भाई चाय बनाने का मूड था पर फ्राई पैन गंदा है, साफ करने का तरीका देखो, चाय का सारा सामान है बट ये साफ करने वाला सामान हमने लाया नहीं, अभी साफ करते हैं फटाफट और चाय पीते हैं। बारिश भी स्टार्ट होगी, फटाफट आगे चलते हैं, बारिश यार तंग बड़ी करती है सच में, कल बिल्कुल तंग कर दिया था बारिश ने, बेहाल कर दिया था भाई। लो जी चलते चलते भाई रास्ते के व्यू ही चेंज हो गए, आप देख सकते हैं दूर 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 तक पत्थर ही दिख रहे हैं, पत्थर ही हैं पत्थर, मेरे को वो फील आ रही है जो सचपास वाली रोड नहीं है, बिल्कुल वैसी फील आ रही है, देखो पत्थर ही पत्थर भाई, पत्थर ही पत्थर, कोई नहीं भाई। यहाँ पे आ गई एक रिवर, अकॉर्डिंग टू एरो पॉइंट वो रिवर क्रॉस करके आगे जाना है, पता नहीं यार कैसे जाया जाएगा, रिवर का फ्लो तो काफी ज्यादा तेज है, देखते हैं यार कुछ। मैं तो बस यही होप कर रहा हूँ कोई फरिश्ता बन के आ जाए और बता दे भाई यहाँ से ऐसे ऐसे जाना है, होने तो नहीं वाला बट अगर हो गया फिर भी काफी अच्छी बात है, नहीं तो कोई वे फाइंड कर रहे हैं इस रिवर को क्रॉस करने के लिए। आ रहे ना नीचे से, हाँ। लो भाई रिवर क्रॉसिंग करने की तैयारी है, जूते वगैरह उतार दिए, पेंट की लोअर बना दी, बस अभी रिवर को क्रॉस करते हैं, वो देखो उधर दो बंदे भी आए हैं उनकी हेल्प ले रहे हैं और करते हैं रिवर को जल्दी जल्दी क्रॉस। लो जी भाई फाइनली वाटर क्रॉसिंग क्रॉस कर दी भाई, बहुत बहुत डिफिकल्ट वाटर क्रॉसिंग थी भाई, मेरे तो यहाँ तक पैर, बाइक के तो यहाँ यहाँ तक पैर आ गए, बाइक की हाइट कम है ना भाई, एक बार तो डर लग गया था पैर पूरे सुन्न हो गए भाई। चलो अभी फर्स्ट फटाफट बारिश स्टार्ट हो गई, जो हमारी फर्स्ट कैंप साइट आज की कैंप साइट है, थोड़े टाइम के बाद वहां पे लगाते हैं, कहते हैं बाकी यार यहाँ पे बारिश स्टार्ट होगी, फटाफट कैंपिंग वगैरह करते हैं यार, कल तो अंधेरा कर दिया था, आज बिल्कुल भी अंधेरा नहीं करना क्योंकि अंधेरे में यार काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। लो भाई कैंपिंग के लिए लोकेशन मिल गई भाई, बड़ी ज्यादा सुंदर लोकेशन है भाई, ये देखना क्या भाई, मेरे को तो ऐसे लग रहा है कोई न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया में होते हैं मूवीज में देखते होते हैं, मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता कौन सी लोकेशन है पर वो लग रहा है, पूरा ग्रास लैंड है, इसको थोड़ा साफ सूफ करके लगा लेंगे। कल पता क्या दिक्कत आ गई थी यहाँ पे ना, घोड़े वगैरह के गोबर वगैरह पड़े थे उसके ऊपर ही कैंप लगा दिया और उसके कारण काफी ज्यादा दिक्कत आ गई थी बट आज नहीं आएगी, अभी बस फटाफट कुकिंग वगैरह करेंगे और करेंगे, पता नहीं आज मेरे को इतना सेफ्टी का इशू लग नहीं रहा, अब ऐसे लग रहा है चिल्ली है काम, आज कुछ नहीं होगा, बाकी देखिए कि रात को क्या बनेगा क्या ना गया, मौसम सही रहे बाकी जानवर वगैरह को तो मेरे को ज्यादा डर नहीं लग रहा, बाकी लगाते हैं कैंप। भाई कैंपिंग करने लगे थे, ये प्यारे से डॉगी मिले हैं, कितना क्यूट है भाई, डर रहा है यार थोड़ा सा मेरे से, एक और है दो है, एक ही और है। भाई क्या है यार, यार पहाड़ों के ना डॉग्स ना बड़े ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं भाई, मजा आ जाता है। लो भाई ये रहा हमारा आज का आशियाना, हमारा महल विद व्यू, ये देखो भाई ये देखो इसके साथ व्यू, अभी बस चाय बनाते हैं फटाफट, चाय की मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, ऐसे तलब हो रही है कि फटाफट चाय मिल जाए फिर ही मजा आएगा, बस बना लें चाय, सामान वगैरह अंदर रख देते हैं इसके। ये लो भाई चाय बन गई, चाय तो बनी है पूरी मस्त, मजा आ गया भाई ऐसे चाय, बस अभी आराम से बैठ कर यहाँ पे चाय पी रहे हैं। हैं यार मक्खन डाल के तो चाय मैंने कभी पी नहीं, बट भाई कहता मक्खन डाल के चाय पी के देखो बड़ी अच्छी बनेगी, मैं कह मैं अभी तो नहीं ट्राई करने वाला, कभी और ट्राई कर लूंगा, आपको चीनी का स्वाद आएगा, हाँ आपको हल्का सा मक्खन का, हाँ। और थोड़ा सा वही, हाँ। बटरी स्वाद आएगा, साथ में अमूल मक्खन के अंदर थोड़ा सा नमक भी होता है, हाँ। नमक का स्वाद आता है। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, अभी तो ये वाली ही करें, क्योंकि भाई एक बात है ना काफी काफी टाइम बाद इतनी अच्छी चाय मिली है और इतनी अच्छी चाय जब मिलती है ना, मजे। अभी हम यहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे और भाई एकदम बादल बन गया भाई यहाँ पे,
बहुत ज्यादा स्पीड से बन रहा है भाई। ये चीज मैं पहली बार देख रहा हूँ, पता नहीं क्या चीज है क्या ना भाई, काफी डरावनी लग रही है ये चीज तो। ये देखो ये हमारा कैंप है और इधर ही भाई देखना कितना बड़ा बादल है भाई, एकदम आ रहा है भाई, पता नहीं क्या बनेगा अब। तो पूरा बदल बस आने वाला है इतने, मजा आ रहा है भाई देख के, पूरा एक्साइटमेंट भी हो रही है भाई। बहुत दूर से बस ऐ लग रहा है बस कैंपिनेंट चो 100 मीटर भी नहीं होना भाई, आ खड़ा है तुम आ देख रहे हो भाई। अब आएगा मजा कैंपिंग करने का भाई, जंगल में कैंपिंग करने का यही तो मजा है भाई। वो क्या चीज है यार, बालू लग रहा है मेरे को, कोई बालू आ रहा हो बागा बागा है ना भाई, पता नहीं भाई क्या सीन है भाई। अब इधर धुंद आ गई भाई पूरी, अब कुछ नहीं दिखेगा, बादल बुदल आ गए पूरे भाई, अंदर कुछ जाना है और क्या। हाँ चलो चलते हैं भाई अंदर, खाना खुना बनाए फटे 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 है ना, खाना बनाते हैं भाई। चलो भाई बढ़िया सा एकदम टेस्टी टेस्टी खाना बनाते हैं। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, बाहर तो पूरा अंधेरा हो गया, ये देख सकते हैं आप कुछ भी नहीं दिख रहा, बस अभी हम अपना डिनर कर रहे हैं, मैगी वगैरह बना रहे हैं ये देखो अपने चूल्हे पे, और उसके बाद सोते हैं है ना भाई, सोते हैं भाई, कल जल्दी उठना है, कल जल्दी उठना है, कल ज्यादा किलोमीटर करना है, जो रिमेनिंग किलोमीटर सारा कंप्लीट कल कर देना है। बस अभी मैगी वगैरह खा लें, प्याज वगैरह भी डाल दिए, बटर वगैरह भी डाल दिया, काफी अच्छा टेस्ट आने वाला है। भाई पूरा घर वाला टेस्ट बना है ना, अच्छी बनी है भाई, और काफी ज्यादा अच्छी बनी है भाई, ऊपर से बटर बुटर डाल दिया, प्याज वगैरह डाल दिए, अच्छा डिनर हो गया भाई ये तो। बाकी यार अगली वीडियो में अगले दिन की मिलते हैं, क्या एडवेंचर होगा क्या नाम, कल तो यार काफी ज्यादा हाइट पे जाना है, लगभग 4200 फीट की हाइट पे जाना है, जो कि माउंट एवरेस्ट की हाफ हाइट पे होती है भाई, इतनी ऊपर हाइट पे जाना, ऑक्सीजन वगैरह की काफी कमी आने वाली है वहां पे, देखते हैं मिलते हैं आगे वीडियो में क्या सिस्टम रहता है क्या नाम। बाकी गाइस थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।